नमस्कार नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। एक नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। भारतीय सेना ने आसाम राइफल्स की महिला सैनिकों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इन्हें पुरुष जवानों के सहयोग के लिए कश्मीर में तैनात किया गया। इनकी तैनाती मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले में हुई है, जहां वे आतंकवाद विरोधी अभियानों में जवानों का साथ दे रही है। महिला और बच्चों की तलाशी के लिए ये सुरक्षा कर्मी मोटर व्हीकल चेक पॉइंट पर तैनात है। साथ ही वो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान घर घर की तलाशी में भी मदद करती हैं। महिला सुरक्षा कर्मी ज्योत्सना कहती है कि अभियान के दौरान हम ध्यान रखते हैं कि किसी महिलाओं को कोई समस्या का सामना न करना पड़े। तलाशी के बाद हम उन्हें सुरक्षित स्थान पर भी पहुँचाते हैं। हमें उम्मीद है कि कश्मीरी लड़कियां भी प्रेरित होंगी और देश की सेवा के लिए सेना में शामिल होंगी। जेडीयू नेता और बिहार की नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने खुद को हिंदू बताते हुए कहा कि उनके पूर्वज राजपूत थे और उन्होंने धर्मांतरण करके इस्लाम कबूल कर लिया था, इसीलिए वे मुसलमान हो गए। हाजीपुर में कार्यक्रम में पहुंचे जमा खान ने धर्मांतरण को लेकर एक सवाल पर कहा कि धर्मांतरण अगर अपनी मर्जी से हो तो कोई बुराई नहीं है। मंत्री ने बताया कि आज भी उनके खानदान में आधे लोग हिंदू हैं और वे अपने हिंदू रिश्तेदारों से मुलाकात करते रहते हैं। देश में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच दूध के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। अमूल के बाद अब दूध कंपनी मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। मदर डेयरी के अलग अलग दूध के वेरिएंट में 2 रुपए की वृद्धि हुई है। अब मदर डेयरी का दूध खरीदने पर ग्राहकों को 2 रुपए और ज्यादा देंगे। नई दरें आज से लागू हो रही हैं। तेल और पावर सोर्स के बढ़ते दामों के चलते दूध के दामों में भी बढ़ोतरी हुई। दूध की कीमतों में इजाफे के पीछे का कारण यही बताया जा रहा। इससे पहले 1 जुलाई से अमूल दूध के दाम भी बढ़ाए गए थे। दिल्ली हो या महाराष्ट्र या फिर यूपी गुजरात, 1 जुलाई से अमूल के मिल्क प्रोडक्ट महंगे हो गए। अमूल ने करीब 1.5 साल बाद अपने दूध के दाम बढ़ाए हैं। अब मदर डेयरी ने भी दाम बढ़ाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंपेगा। इसके तहत जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वे ना तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और ना ही चुनाव लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, साथ ही 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। इस ड्राफ्ट को ऐसे समय पेश किया गया है जब यूपी में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 जारी करेंगे। गौरतलब है कि राज्य विधि आयोग ने यह ड्राफ्ट खुद तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने के सरकारी आदेश नहीं है। राज्यों में कोरोना महामारी के मामले बढ़ने लगे हैं, जबकि देश की राजधानी में नए मामले कम हैं, लेकिन यहां कोविड सतर्कता नियमों को लेकर काफी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। इसे लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस भीड़ के बीच ताकतवर हो रहा है। अगर जल्द ही लोगों ने सबक नहीं लिया तो आगे परेशानी काफी बढ़ सकती है। इसे लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि भीड़ पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, साथ ही लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। वहीं एक अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्येंदु सहा ने बताया कि लोगों से बार बार अपील के बाद भी स्थिति वही भयावह तस्वीर वाली। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल।